तो भाई लोग कैसे हो। तो गाइज आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पबजी मोबाइल के अपकमिंग अपडेट यानी कि 1.3 अपडेट, जिसे आप सीजन 18 अपडेट भी कह सकते हैं। एंड इसके अंदर गाइज काफी कमाल की चीज आने वाली है क्योंकि ये है पबजी मोबाइल की थर्ड एनिवर्सरी। तो सबसे पहली चीज इसके अंदर जो आने वाली है वो है न्यू क्लासिक मोड मैप, जिसका नाम है कराकीन। जी हाँ गाइज, कराकीन एक छोटा सा मैप होने वाला है, ऑलमोस्ट 2x2 इसकी साइज होने वाली है। एंड बात करें इसके लुक की तो ये आपको मीरामार की तरह दिखेगा, बट इसका साइज सैनॉक से भी छोटा होने वाला है। तो आप इमेजिन कर सकते हो कितना फास्ट एक्शन पेस यहाँ पे गेम प्ले हमें देखने मिल सकता है। एंड इसके अंदर एक टाइम पे सिर्फ 64 प्लेयर्स ही जंप कर पाएंगे, तो काफी मजेदार मैप होने वाला है। बट इतना ही नहीं गाइज, यहाँ पे एक स्पेशल चीज आने वाली है, एक न्यू मैकेनिक जिसका नाम है डेमोलिशन जोन। जी हाँ गाइज, डेमोलिशन जोन इंस्टेंटली कराकीन की बिल्डिंग्स को खाक कर देगी यानी कि एशेस में बदल देगी। जी हाँ गाइस, जैसे अभी सभी मैप्स में रेड जोन है, इस मैप में पर्पल जोन देखने मिलेगी। एंड जैसे ही गाइस पर्पल जोन आएगी, अलार्म साउंड करेगा क्योंकि ये डेमोलिशन जोन डैमेज करेगी बिल्डिंग्स को। एंड अगर आप किसी घर में कैंप कर रहे हो सकता है गाइस उस बिल्डिंग को पूरी तरीके से डैमेज करके आपको इंस्टेंटली किल कर दे। ये डेमोलिशन जोन रैंडमली बिल्डिंग्स को डैमेज देती है, हो सकता है गाइस एक बिल्डिंग को पूरी तरीके से 100% डैमेज भी कर दे। बट इतना ही नहीं गाइज, एक और न्यू मैकेनिक भी आने वाला है कराकीन के अंदर, जिसका नाम है थिन वॉल बुलेट पेनिट्रेशन। यहाँ पे काफी सारी थिन वॉल्स रहेंगी। एंड अगर आपको पता है कि इस थिन वॉल के दूसरे साइड एनिमी है, तो आप सीधा वॉल पे गोलियां मार सकते हो एंड उस एनिमी को डैमेज हो जाएगा। तो ये काफी अच्छा, काफी यूनिक एंड न्यू फीचर है जो हैकर लोग काफी टाइम से यूज कर रहे हैं, बट अभी हम लोग भी इसे यूज कर पाएंगे। साथ ही साथ गाइज एक ब्रांड न्यू थ्रोएबल भी हमें देखने मिलेगा, जिसका नाम है स्टिकी बॉम्ब। इस बॉम्ब को आप कहीं पे भी चिपका के रख सकते हो एंड थोड़ी देर के बाद जैसे इसका टाइमर कंप्लीट हो जाएगा ये बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगा। मेनली गाइज किसी भी घर में अगर बंदे कैंप करते हैं, आपको पता है कि एनिमी स्क्वाड उस घर के अंदर है, तो आप स्टिकी बॉम्ब को प्लेस कर सकते हो एंड जैसे ये बॉम्ब ब्लास्ट करेगा उस दीवार को डैमेज हो जाएगा जहां पे आपने बॉम्ब लगाया था, तो आराम से आप एनिमी के साथ एंगेज कर सकते हो। तो काफी अच्छा, काफी नया फीचर है जो इस गेम के अंदर हमें बहुत ही जल्द देखने मिल जाएगा। तो मेक श्योर गाइस, जैसे आप लोग स्मोक ग्रेनेड या फ्रैग ग्रेनेड लूट करते हो, ऐसे 2 से 3 स्टिकी बॉम्ब भी अपने बैग के अंदर रख लेना। एंड बात करें एक ब्रांड न्यू फायर आर्म की, तो यहाँ पे गाइज हम लोग को कराकीन मैप के अंदर एक ब्रांड न्यू फायर आर्म देखने मिलने वाला है, जिसका नाम है पैंजर फॉस्ट। इसका जो स्पॉन रेट है वो मैप में नॉर्मल लूट में काफी लो रहेगा, बट अगर आप एयर ड्रॉप लूटोगे तो आपको पैंजर फॉस 100% मिल जाएगा। बेसिकली गाइज ये रॉकेट्स को फायर करेगा जो जहां पे भी हिट करेंगे तो इमीडिएटली एक्सप्लोड हो जाएंगे, तो काफी पावरफुल वेपन होने वाला है पैंजर फॉस्ट। जैसे आप लोग पैंजर फॉस्ट को फायर करोगे तो ये पीछे के साइड अपने 3 मीटर की वेक बनाएगी एंड अगर आपका कोई यहाँ पे फ्रेंड या फिर टीममेट वहां पे है तो उसे भी डैमेज हो सकता है। तो गाइज ऑलवेज मेक श्योर सब कुछ क्लियर होने के बाद ही पैंजर फॉस्ट को फायर करना। पैंजर फॉस्ट की शूटिंग रेंज आप एडजस्ट कर पाओगे जैसे 60 मीटर, 100 मीटर या फिर 150 मीटर। एंड अगर बात करें एक ब्रांड न्यू बोल्ट एक्शन स्नाइपर राइफल की, तो गाइज इसका नाम होने वाला है मोसिन नेगेंट। ये आपको सिर्फ इरेंगल एंड विकेंडी में ही स्पॉन हुई मिलेगी एंड ये बोल्ट एक्शन राइफल कार 98 की तरह ही होने वाली है, बट ये यूज करेगी 7.66 mm की एमओ एंड इसका बुलेट स्पीड काफी फास्ट रहेगा। एंड जितना लॉन्ग रेंज में आप मारोगे इसका जो डैमेज डिक्रीज होता है कार 98 का वैसे नहीं रहेगा, इसका डैमेज काफी अच्छा रहेगा। एंड किसी भी अनआर्मर्ड एनिमी पे आप इसे फायर करोगे तो सिर्फ 1 बुलेट में वो उसे टेक डाउन कर देगी, तो काफी पावरफुल वेपन होने वाली है 7.62 mm एमओ के साथ। एंड अगर बात करें सबसे बेस्ट फीचर की, तो गाइज मोटर ग्लाइडर हम लोग को गेम के अंदर मिलने वाला है एंड ये स्पॉन होने वाला है इरेंगल एंड मीरामार में ओनली। तो गाइज मोटर ग्लाइडर काफी ओपी होने वाला है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं ये एक 2-सीटर व्हीकल होने वाला है। यहाँ पे एक फ्रंट सीट रहेगी एंड अपना फ्रेंड बैक सीट में बैठेगा, जैसे हम लोग मोटर बाइक पे बैठते हैं, एंड बैक सीट में जो भी बैठेगा वो वहां से वेपन्स का इस्तेमाल भी कर पाएगा। एंड मोटर ग्लाइडर को आप जितने तेजी से उड़ाओगे उतना ज्यादा ये फ्यूल कंज्यूम करेगा, इसलिए मेक श्योर गाइस मोटर ग्लाइडर में बैठने के पहले आपके पास फ्यूल कैंस हो या फिर इसका फ्यूल टैंक फुल कर देना। एंड इसी के साथ साथ गाइस सीजन 18 यानी कि 1.3 के अपडेट में और भी बहुत सारे फीचर्स आने वाले हैं, जो आने वाले वीडियोस में जैसे जैसे आपको इन्फो मिलेगी मैं वहां पे आपको बता दूंगा। इसलिए गाइस चैनल सब्सक्राइब करिए एंड वीडियो पसंद आ गई तो वीडियो को लाइक दे देना, चैनल सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा दो, नोटिफिकेशन बेल को ऑल पे कर दो ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी। और मैं मिलता हूँ आपको बहुत ही जल्द एक नए वीडियो के साथ। सो थैंक यू गाइज एंड टेक केयर।